हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन के ऊपर, मतलब कि जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना मॉडल क्वेश्चन पेपर में, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 की हम बात कर रहे हैं। तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए अब आपका आर्ट्स साइंस और कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन पैटर्न सेम टू सेम है। और जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड बोर्ड 2024 एग्जामिनेशन के लिए इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर एक ही सेट जारी किया गया है, और उस एक सेट में जो क्वेश्चन संख्या आपका 39 है उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 39 में क्या कहता है आपको कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यानी कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है ना, किसके हेल्प से, टोटल यूटिलिटी के हेल्प से या मार्जिनल यूटिलिटी के हेल्प से ये बताना है कि जब TU आपका मैक्सिमम हो जाता है तो MU आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ध्यान से देखिए, सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है। हम लोग उपयोगिता का अर्थ क्या जानते हैं कि किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ वह गुण जो मानव की जरूरत को पूरा करता है, उसी क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। मतलब हर एक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ गुण छुपा होता है। जैसे कपड़े में बदन ढकने की क्षमता होती है तो हम कह सकते हैं कपड़े में यूटिलिटी है या फिर उपयोगिता है। कलम में देखो लिखने की क्षमता है तो हम क्या कह सकते हैं, कलम में उपयोगिता है। तो इसी ढंग से हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ गुण छुपे होते हैं और उसी गुण से मनुष्य की जरूरत पूरी होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि हर एक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ गुण छुपा होता है जो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है, उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला जो बात हम लोगों को लिखना है वो क्या है कि सीमांत उपयोगिता का डेफिनेशन दे देना है। सीमांत उपयोगिता को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर जो सीमांत शब्द है या फिर जो मार्जिनल टर्म है ना, इसका मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई, ठीक है। तो हम लोगों को डेफिनेशन ही ऐसे देना है। और हाँ, ध्यान रखना MU हम लोग इसको बोलेंगे, यानी कि शॉर्ट में हम यहाँ पर बार बार कई जगहों पर यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु की, कोई एक वस्तु है मान लो, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, कितनी इकाई, एक एक्स्ट्रा यूनिट, यानी कि क्या किया जा रहा है, उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए, मम्मी ने आपको एक रोटी खिलाया, आपने मम्मी को कहा मम्मी हमें जो है 30 के बराबर संतुष्टि मिल चुकी है पहली रोटी उपभोग करने से। मम्मी ने कहा ठीक है एक रोटी और खा लो, कुछ ना कुछ और भी तुम्हारी भूख मिट जाएगी। मम्मी ने दूसरी रोटी भी दिया, तुम्हें अब इस बार जो है यूटिलिटी जो मिला वो मान करके चलिए कि यहाँ पर कितना मिल चुका है, यहाँ पर मानते हैं हम कि 50 यूटिल्स मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही आपने एक्स्ट्रा इकाई कंज्यूम किया, पहले तो एक कर रहे थे जिससे कि सेटिस्फेक्शन 30 मिल रहा था, अब जो है वो रोटी की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाया, उपभोग किया, तो इससे कुल उपयोगिता में कितने का वृद्धि आ गया, 20 का। तो यहाँ पर जो 20 निकला इसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, किसमें चेंज की बात कर रहा है कि टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया, 20 का आया, है ना। तो द चेंज इन टोटल यूटिलिटी कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि किसी एक वस्तु की एक एडिशनल यूनिट का जैसे ही कंजम्पशन किए तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी में कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिला। तो यही जो चेंज आया ना उसी को हम लोग कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर देखिए TUN का मतलब क्या है, N का मतलब है लास्ट यूनिट तुमने कौन सा कंजम्पशन किया या फिर किस इकाई तक जो है तुम MU जानना चाहते हो। मान लो कि हम दूसरी इकाई पर जानना चाहते हैं कि केवल दूसरी यूनिट किससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, तो हम यहाँ पर 2 बैठा देते हैं, N के जगह पर 2 बैठा दिए, तो टोटल दो इकाइयों से टोटल यूटिलिटी कितनी है, देखो दो इकाई के उपभोग से टोटल यूटिलिटी कितनी है, 50। तो हमने यहाँ पर 50 कर दिया, लेकिन क्या कह रहा है, 2 माइनस 1 का मतलब कितना, 1। तो एक इकाई के उपभोग करने से TU कितना था,
तो एक इकाई के वो करने से टी यू था 30, तो हमने यहाँ पर माइनस 30 कर दिया, यानी कि हमारा एम यू कितना निकल गया 20। उम्मीद है समझ आ गया होगा फॉर्मूले से भी, लेकिन हम इसे एक अलग टर्म में भी डिफाइन किए हुए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि कुल उपयोगिता, आप ये वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर ऊपर वाला डेफिनेशन आपको बड़ा लग रहा है तो। क्या लिखा हुआ हमने कि जब यहाँ पर देखिए कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी, रेट मतलब स्पीड, कि किस रफ्तार के साथ टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वही कह रहा है द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। कितना छोटा डेफिनेशन है ना, आप इसी को लिखना, हम तो कहेंगे आप इसी डेफिनेशन को लिखना, ये वाला जो है ना डेफिनेशन एकदम रट्टा मार लो। ठीक है, ये डेफिनेशन एकदम रट्टा मार लो, अगर ये इस क्वेश्चन में ऐसा सवाल रहा कि टी और एम यू में संबंध बताइए, तो यही वाला डेफिनेशन लिखना बहुत शानदार है, क्योंकि ये डेफिनेशन भी बता दे रहा है और साथ साथ में ये भी बता रहा है कि टी यू में जिस गति से परिवर्तन आता है, तो जो गति होता है ना टी यू का, वो कौन बताता है, एम यू। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि टोटल का कुछ भी रहे उसका मार्जिनल वाला ही क्या होता है, स्पीड बताता है। जैसे कि मान लो टोटल कॉस्ट का स्पीड कौन बताता है, मार्जिनल कॉस्ट, समझ गए, टोटल रेवेन्यू का रफ्तार कौन बताता है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहां पर समझने की बात है आपको कि टोटल जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसका स्पीड कि किस स्पीड से वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको जानने के लिए हम लोग सीमांत शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, सीमांत वाले कंसेप्ट को हम लोग लाते हैं। तो देखो एम यू का दूसरा भी फॉर्मूला है, डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू, यानी कि उपभोग की इकाई में परिवर्तन करने से कुल उपयोगिता में परिवर्तन के अनुपात, अनुपात मतलब ये देखो बटा है ना, तो फिर से देखो क्या कह रहे हैं, उपभोग की इकाई में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब डेल्टा, उपभोग की इकाई को क्यू से लिख रहे हैं, आप एन से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखें क्या, उपभोग की इकाई में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा, और जो भी आप शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं उसे आप एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार से नोट कर लेना कि एम यू बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता, डेल्टा टी यू का मतलब है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चूंकि डेल्टा मतलब चेंज और टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन। इसी ढंग से आपको जो है वो डेल्टा क्यू भी बता देना चाहिए कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, तो देखो हमने यहाँ पर नोट किया है डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन यानी कि उपभोग की इकाई में परिवर्तन। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, देखो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, कह रहे हैं क्या कि कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। क्लियर है, इसे हम निम्न तालिका और रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, हालांकि आपको केवल रेखाचित्र बोला है, हमने आपको यहाँ पर तालिका भी जो हो दिखा दिया है ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें। एग्जामिनेशन में आप टेबल भी डाल सकते हैं, केवल डायग्राम भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको 3 नंबर में पूछा है तो उस वक्त टेबल जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या हमने लिखा है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप है ना, मतलब गहरा संबंध है, किसमें, बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वी कैन क्लैरिफाई, हम स्पष्ट कर सकते हैं दिस, इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम, निम्नलिखित तालिका और रेखाचित्र से हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने पहले लिखा है उपभोग की इकाई यानी कि यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, फिर लिखा हमने मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता, उसके बाद हमने लिखा है कुल उपयोगिता यानी कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी, तो उपभोग की इकाई को एन से लिख रहे हैं, सीमांत उपयोगिता को एम यू से, कुल उपयोगिता को टी यू से। क्लियर है ना, देखो जैसे हमने पहली रोटी उपभोग किया तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिला 16, यानी कि केवल पहली रोटी से हमें 16 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, तो टी यू हमारा 16 हो जाएगा पहली इकाई तक। लेकिन अगर हम दो रोटी को उपभोग कर लेंगे तो पहली से भी तो कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला था, दूसरी से भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला है, तो दूसरी केस से केवल कितना मिला 12, लेकिन टोटल कितना हो गया, तो दोनों से जोड़ लीजिए, देख लीजिए 16 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दूसरी इकाई तक 28 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरी इकाई का हमने उपभोग किया तो यहाँ पर तीसरी इकाई से केवल हमें संतुष्टि मिला 8 यूटिल्स के बराबर, लेकिन तीनों इकाई से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ तक तो आपका 28 आ जा रहा था, 28 प्लस 8 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, मतलब टोटल 3 रोटी अगर हम उपभोग कर लेते हैं तो टोटल हमें 36 जो है यहाँ पर यूटिलिटी मिल जाती है। फिर से अगर हम चौथी इकाई तक उपभोग करते हैं तो हमें चौथी इकाई से केवल
चार इकाई के बराबर संतुष्टि मिला है, जबकि यहाँ पर हमारा टी यू कितना पहुँच गया 40 पर। तो इस ढंग से जैसे जैसे हम उपभोग की इकाई को बढ़ाते जा रहे हैं, मिलने वाला संतुष्टि का स्तर जो है यानी कि सीमांत उपयोगिता हमारा क्या है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसी वजह से इसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं। और जैसे कि मालूम है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को दिया था गौसेन ने, जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, इसीलिए इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग कहते हैं गौसेन का पहला नियम, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार केवल घट रहा है। देखिए 16 से 12, 12 से 8, 8 से 4, 4 से 0, 0 से -4, -4 से -8, यानी कि लगातार सिर्फ एमयू घटते ही चला गया। तो एक नियम नहीं बन गया कि एमयू लगातार डिमिनिश ही कर रहा है, लगातार घट ही रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि उपभोग की इकाई में वृद्धि करने के साथ साथ जहां पर सीमांत उपयोगिता घटती चली जाए, इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। और चूंकि इस नियम को सबसे पहले दिया था गौसेन ने, इसलिए इसी नियम को हम कहते हैं गौसेन का पहला नियम। क्लियर है यहाँ तक मामला? लेकिन ध्यान से देखो, जैसे जैसे उपभोग की इकाई बढ़ा रहे हैं, टी यू क्या हो रहा है, टी यू लगातार जो है वो 16 से 28, 28 से 36, 36 से 40, 40 से फिर 40, यानी कि टी यू कुछ समय तक बढ़ा, उसके बाद कॉन्स्टेंट हो गया, फिर जो है वो लगातार घटना शुरू हो गया। देख लीजिए तो इस तरीके से क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न बताते हैं आपको। देखो जब तक आपका जो है ना, जब तक एम यू घट रहा था लेकिन पॉजिटिव था, जब तक एम यू क्या हो रहा था, घट रहा था लेकिन एम यू अभी तक देखो पॉजिटिव है, तब तक यानी कि आपका जो टी यू है, टी यू है आप देख सकते हैं लगातार बढ़ा बढ़ा बढ़ा, टी यू क्या हुआ लगातार बढ़ा, ठीक है। मतलब जब तक एम यू हमारा क्या रहा, धनात्मक लेकिन घट रहा था, धनात्मक था लेकिन एम यू क्या हो रहा था, घट रहा था, तब तक हमारा टी यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही एम यू घटते 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 शून्य हो गया, तो उस समय टी यू देख सकते हैं 40 हो गया। 40 मतलब इससे ज़्यादा फिर कभी हुआ है क्या, 40 से कहीं ज़्यादा और दिख रहा है क्या, नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं टी यू यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम में हो गया। टी यू क्या हो गया, मैक्सिमम में हो गया। यही सवाल आपसे किया होता ना क्वेश्चन में कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। तो यही बात था, आपको एमसीक्यू में भी पूछता है कि जब सीमांत उपयोगिता का मान शून्य होता है तो कुल उपयोगिता क्या होता है, या फिर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। समझ गए? तो पहला रिलेशन यहाँ निकला कि एमयू जब तक घट रहा है लेकिन धनात्मक है, तब तक टीयू बढ़ रहा है। जैसे ही एमयू शून्य हो गया, वैसे ही टी यू यहाँ पर देखो मैक्सिमम पर पहुँच गया, यानी कि जैसे टी यू मैक्सिमम पर है, समझ लो कि एम यू जीरो पर होगा। क्लियर है? आगे देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ आगे, और भी अगर आगे उपभोग करता है इकाई, कंज्यूमर जो है वो मान लो और भी इकाइयों का उपभोग करता है, पाँचवीं के बाद छठी इकाई, छठी के बाद सातवीं इकाई भी उपभोग कर रहा है, तो उसे जो है ना यहाँ पर संतुष्टि धीरे धीरे ऋणात्मक होने लगी, नेगेटिव होने लगा। होता है ना कि किसी वस्तु को हम लगातार ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते जाते हैं, सीने में जलन और फलाना फलाना अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। हम कहते हैं भाई नहीं छोड़ दो ना, इतना ही कंजम्पशन करेंगे हम, जबरदस्ती मत खिलाओ यार, ऐसा करने लगते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें सीमांत उपयोगिता क्या मिला, नेगेटिव मिला, मतलब कि यहाँ पर हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, ऐसी स्थिति में आ चुके हैं। तो एम यू हमारा जो है वो यहाँ पर भी घट रहा है, लेकिन एम यू इस बार क्या है, नेगेटिव में है। ऊपर में क्या दिखा है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या था, जीरो, यहाँ पर क्या था, नेगेटिव। इसका मतलब ये भी है कि सीमांत उपयोगिता हमारा जो है धनात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, यानी कि जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन देखना टी यू हमेशा से पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, कहीं नेगेटिव दिख रहा है, नहीं ना। तो एम यू हमारा पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन टी यू हमेशा धनात्मक होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हमने नोट कर दिया हालांकि आगे चल करके। तो जब देखिए सीमांत उपयोगिता शून्य होने के बाद लगातार माइनस में जाने लगी या फिर ऋणात्मक होने लगा, है ना, तो टी यू हमारा देखो 40 हो गया, 36, 36 से 28, यानी कि टी यू भी उसके बाद, यानी कि जैसे ही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता अब घटने लगती है। घटती जरूर है लेकिन टी यू नेगेटिव नहीं होता, टी यू हमेशा देखो पॉजिटिव वैल्यू के साथ है। लेकिन एम यू देखो पॉजिटिव भी है यहाँ से यहाँ तक, फिर जीरो भी है, फिर नेगेटिव भी है। उम्मीद है समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो तीन रिलेशन बनकर के आया है, उन्हीं तीन रिलेशंस को हम यहाँ पर डायग्राम में जो है प्लॉट करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम सीमांत को दिखाते हैं, फिर आपको कुल भी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हमने लिखा है और क्या नहीं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। लो अब क्लियर है। देखो उपभोग की इकाई को हमने एक्स एक्सिस पर लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बचाते हुए हमने नीचे लिखा है ताकि यहाँ पर एक दो तीन लिख सकें। तो हमने एक्स एक्सिस खींच लिया, हमने इसी ढंग से वाई एक्सिस खींच लिया। लेकिन करना क्या है ध्यान से सुनिए, हमने जितना स्पेस जीरो से एक के बीच में रखा है उतना ही स्पेस एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, छः से सात तक रखा है,
ठीक है, मतलब कि हर जगह आपको स्केल सही से रख करके काम करने हैं, स्केल से बनाना, ठीक है ना। अब पेन से और पेंसिल से जो भी आपको मन लगता है उससे आप बना सकते हो, बट बढ़िया और सुंदर दिखना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, जो गैप आपने एक से यहाँ पर शून्य से एक, एक से दो इधर रखा था, वही गैप आपका शून्य से यहाँ पर चार, चार से आठ, आठ से बारह, बारह से सोलह, सोलह से बीस रहेगा, ठीक है। अब आपने देखा था टेबल में कि जैसे कंज्यूमर केवल एक इकाई उपभोग कर रहा था तो उस समय सीमांत उपयोगिता कितनी थी, सोलह थी, तो यहाँ पर इस वजह से पॉइंट मिल चुका है ये दोनों का, ठीक है, समझ पाए हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी रोटी का उपभोग किया तो होता क्या है, सीमांत उपयोगिता पहले की अपेक्षा घट जाता है, तो यहाँ पर देखिए सीमांत उपयोगिता अब हो गया 12, पहले कितना था 16, है ना, पहली इकाई पर था 16, लेकिन जैसे ही उसी वस्तु का दूसरी इकाई उपभोग किया यानी कि, तो देखो सीमांत उपयोगिता यहाँ पर 16 से आ गया कितने पर, 12 पर, यानी कि सीमांत उपयोगिता घट गई है। फिर जैसे ही हम यहाँ पर देखो दूसरी से चले जाते हैं तीसरी इकाई पर, तो तीसरी इकाई को उपभोग करने से अब संतुष्टि मिल रहा है 8 के बराबर। फिर से चौथी इकाई जब भी हम उपभोग कर रहे हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता हो गई है 4 के बराबर। मतलब समझने वाली बात है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों के साथ साथ जो सीमांत उपयोगिता है वो यहाँ पर देख सकते हैं घटते हुए जा रही है, घटती हुई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब पांचवी इकाई का हम उपभोग करने लगे यानी कि तब सीमांत घटते घटते यहाँ पर क्या हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है, इस जगह पर आ गया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद छठी इकाई का यदि हम जबरदस्ती उपभोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता इधर देखो नेगेटिव होने लगा, और नेगेटिव कितना हो गया ये हमारा -4, कितने पर, छठी इकाई पर। जैसे ही हम फिर सातवीं इकाई का उपभोग किए तो यहाँ पर हो गया -8, आप देख सकते हैं यहाँ से मिला करके, क्लियर हुआ। तो आप ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं सभी पॉइंट्स को आप क्या करिए, मिला दीजिए। जब सभी पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपको जो रेखा प्राप्त होगा ना उसी का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यानी कि MU कर्व, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ चुका होगा। लेकिन ध्यान देना, अब TU की बारी है। TU को हम कैसे बनाएंगे, TU को हम इसी रेखा में बना सकते थे लेकिन हम अलग से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा भी दिखेगा, प्लस में आपको अगर कॉपी भी भरनी है दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चूँकि भाई कॉपी भी तो भरना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ पर देखो ये बहुत अच्छा बन चुका है। यहाँ पर फिर से हमने रखा उपभोग की इकाई, आपको उपभोग की इकाई बराबर बता रहे हैं, एक्स एक्सिस पर ही रखना है यहाँ पर। अब लेकिन कुल उपयोगिता को हम दिखा रहे हैं तो लिखेंगे कुल उपयोगिता, पहले दिखा रहे थे हम सीमांत उपयोगिता तो इधर लिख रहे थे सीमांत उपयोगिता, नीचे वाले चित्र में दिखाया मैंने आपको। तो अब देखो इधर हमने जो रखा है और इधर जो हमने डेटा रखा है उसमें जीरो से एक के बीच जितना अंतर है उतना ही अंतर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, छः से सात रखना है, क्लियर है। और वही गैप आपको इधर रखना है जीरो से चार, चार से आठ, आठ से बारह, बारह से सोलह, मतलब कि आगे भी आपको सेम ही स्पीड से काम करने हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर बात आती है, हमने डॉटेड क्यों रखा ये भी बताएंगे अभी। देखो हमने जब केवल पहली रोटी उपभोग किया था तो मान करके चलो संतुष्टि कितनी थी, सोलह, आपने देखा ही सीमांत उपयोगिता सोलह था तो कुल उपयोगिता भी उस जगह पर 16 ही था। लेकिन टोटल दो इकाइयों का उपभोग कर लिए, चूंकि टोटल टोटल अब कहेंगे, ठीक है, दूसरी इकाई नहीं कहेंगे बल्कि दो इकाई कहेंगे अब, चूंकि कुल निकाल रहे हैं तो दो इकाई उपभोग कर लिए थे तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई थी, 28, मतलब कि पहली इकाई से मिला था 16 और दूसरी इकाई से मिला था 12, इसलिए दोनों को जोड़े थे तो कितना निकल गया था, 28, ठीक है। तीसरी इकाई का जैसे ही उपभोग किए तो तीसरी इकाई के उपभोग से हमें संतुष्टि कितनी मिल चुकी है, तो तीन इकाइयों का टोटल जब हमने कंजम्पशन कर लिया था तो 36 हो गया था, मतलब कि यहाँ पर देखो कितने का वृद्धि आया यहाँ पे 12 का, लेकिन यहाँ से 28 के बाद 36 कितना हुआ, मात्र 8 का। फिर से अगर हम मान लो चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो चार इकाइयों का टोटल हमने कंजम्पशन कर लिया तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, देखो इधर ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर 40 हो गया, तो यहाँ पर मात्र कितने का वृद्धि आया, 4 का। मतलब समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, शुरुआत में यानी कि बहुत रफ्तार से बढ़ा, देखो तेजी से बढ़ा, यानी कि इधर बढ़ा बहुत तेजी से लेकिन फिर कम हुआ, फिर और कम, बढ़ रहा है जरूर लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रहा है, यानी कि स्पीड धीरे धीरे आगे कम होती चली जा रही है। पहले तो तेज था, फिर थोड़ा सा कमी आया, फिर और कमी आया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए। अगर हम टोटल पाँच इकाइयों का उपभोग कर लेते हैं तो हमारी जो कुल उपयोगिता रहती है वो कितनी हो जाती है, भाई देखो यहाँ पर कुल उपयोगिता इस बार भी 40 ही हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम पाँचवीं इकाई का उपभोग करते हैं, सॉरी छठी इकाई का उपभोग करते हैं तो यहाँ पर TU हमारा देखो फॉल डाउन हो गया, फिर से 36 पर आ गया। इसका मतलब समझ पा रहे होंगे आप कि एक्स्ट्रा इकाइयाँ उपभोग करने से अब कुल उपयोगिता बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। सात इकाई का उपभोग कर लिए टोटल
तो हमारा देखो अब क्या हुआ, सीमांत विविधता फिर से घट गया, अब 28 पर आ गया। मतलब कि जैसे जैसे अब हम ज़्यादा इकाई उपभोग करते जा रहे हैं अब हमारा TU घट रहा है, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ था, घटते हुए दर से बढ़ रहा था। मतलब यहाँ की स्पीड, यहाँ से स्पीड देखो गैप ज़्यादा दिख रहा है, तो स्पीड ज़्यादा थी, फिर स्पीड कम हो गई, फिर और स्पीड कम हो गई। मतलब TU बढ़ जरूर रहा है लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर यहाँ पर मैक्सिमम पर हो गया, तो लिख दिए हैं TU मैक्सिमम पर पहुँच गया है। और जैसे ही TU मैक्सिमम पर हुआ है, इसी वाले पॉइंट से जाएंगे आप पाँचवीं इकाई तक ही, तो आप नीचे देखेंगे तो इसी पाँचवीं इकाई से ही आप नीचे देखिए सीमांत विविधता में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इसमें जस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भी पाँच, यानी कि पाँचवीं इकाई पर जहाँ TU आपने मैक्सिमम देखा वहीं पर देखिए MU क्या हो जा रहा है, शून्य। बस यही आपको समझना था, बात हो गई खत्म। लेकिन अब देखिए इधर सीमांत विविधता चूंकि नेगेटिव हो रहा था तो हमने इंडिकेट किया था नेगेटिव, तो इस जब ये छठी और सातवीं इकाई पर आपने देखा कि छठी इकाई पर -4 हो रहा था सीमांत विविधता, सातवीं इकाई पर -8 हो रहा था, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही थी, इधर नेगेटिव हो रही थी, ऋणात्मक हो रही थी, तो हमने लिखा नेगेटिव। सीमांत विविधता इधर क्या था, पॉजिटिव, और इस पॉइंट पर सीमांत विविधता क्या है, जीरो। और जब सीमांत विविधता जीरो है तो आपने देखा अभी जस्ट इसी पाँचवीं इकाई को आगे बढ़ाइए तो आपको समझ में आ रहा है कि कुल उपयोगिता जो है क्या थी, देख सकते हैं कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम थी। लेकिन जैसे ही छठी इकाई पर आपने देखा सीमांत विविधता ऋणात्मक हो रहा था, इसी वजह से TU इधर घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था। मतलब कि यहाँ पर तीन जो संबंध बन के आए हैं वो हम समझ चुके हैं। अब आपको बताते हैं एक एक लाइन से, जरा ध्यान से सुनिए क्या क्या क्लियर हुआ। सो कह रहा है क्या, इट इज क्लियर फ्रॉम दी एवब टेबल एंड डायग्राम डाइट, यानी कि तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट है कि सबसे पहला पॉइंट क्या स्पष्ट हुआ कि कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है, टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कुल उपयोगिता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, पहली बात तो ये क्लियर करो, ठीक है। दूसरी बात कि सीमांत उपयोगिता हमारी धनात्मक भी थी, ऋणात्मक भी था और शून्य भी था, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन जीरो भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में, लेकिन संबंध अभी तक नहीं हुआ। अब संबंध बताते हैं आपको क्या है संबंध। सो यहाँ पर देखेंगे तो अब तीन लाइन में मात्र आपको लिखना है, ठीक है, ज़्यादा बैक चेक करके मत काम करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं हम जितना काम किया उतना काम करना। यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि कुल उपयोग तालिका एवं रेखाचित्र को देखने से यह भी पता चलता है कि अनकी लुकिंग एट द टेबल एंड ग्राफ इट इज ऑल्सो बिकम्स क्लियर दैट, ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जब तक, ध्यान से सुनो, जब तक सीमांत उपयोगिता घटती है परंतु धनात्मक रहती है, आपने देखा जब तक MU पॉजिटिव था लेकिन घट रहा था तब तक कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। मैंने दिखाया पहले रफ्तार ज़्यादा तेज था, फिर कम हो गया था, फिर और कम हो गया था, इस तरीके से, मतलब बढ़ तो जरूर रहा है TU लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रही थी। कब तक, जब तक हमारा MU क्या रहता है, धनात्मक लेकिन घटते हुए होती है। तो जब तक सीमांत उपयोगिता घटती है परंतु धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता घटते हुए दर से बढ़ती है। पहली चीज तो क्लियर हो गया, यानी कि एज लॉन्ग एज, यानी कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, घटती है बट रिमेन्स पॉजिटिव लेकिन धनात्मक रहता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज, TU क्या होता है, इंक्रीजेज होता है, बढ़ता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि घटते हुए दर से बढ़ता है, ठीक है। पहला रिलेशन तो यही निकला। दूसरा देखिए, दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कह रहे हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब TU क्या हो जाता है, TU जब मैक्सिमम हो जाता है, तो आपने देखा पाँचवीं इकाई पर ही कि जब TU मैक्सिमम हो जाता है तो उसी जगह पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, यानी कि वैन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, समझ आ गया होगा। और तीसरी बात क्या था कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है और घटते हुए भी होती है तो सीधा लिखिए कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता भी घटने लगती है, घटने लगती है, घटने लगती है। क्या घट रही है, कुल उपयोगिता, किसकी वजह से, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने की वजह से, यानी कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम फिर से अगली वीडियो अपडेट के साथ। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए, शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए 100% तैयार हैं, हर एक क्वेश्चंस को लेकर के हम तैयार हैं। और हाँ, कंप्लीट प्रीवियस ईयर वाला सारे खजाना आप जरूर देख करके जाना, भूल नहीं जाना, रे बचपन का प्यार है ये।
और पता नहीं इस बार किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं, एग्जाम में फाड़ करके आइए। शुभकामनाएं के साथ जय हिंद।